नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज जैसलमेर में बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। पहली बार दिल्ली से दूर सरहद के पास इसका आयोजन हुआ। समारोह में गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस मौके पर बीएसएफ के जाबाजों ने शानदार करतब दिखाए। ये है सीमा सुरक्षा बल के जवानों की जाबाजी। ये है सरहद पर तैनात सुरक्षा की पहली पंक्ति। ये है हौसले की मजबूत दीवार, जिसे पार करना घुसपैठियों के लिए नामुमकिन है। सीमा पर तैनात इन जवानों की बहादुरी को सलामी देने के लिए पहली बार बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन दिल्ली से दूर और सरहद के पास आयोजित किया गया। इस मौके पर बीएसएफ के जवानों ने एक के बाद एक हैरतअंगेज करतब दिखाए। देश के शूरवीरों का हौसला बढ़ाने गृहमंत्री अमित शाह भी इस आयोजन में शामिल हुए। जैसलमेर के पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ के अलग अलग विंग की परेड हुई। परेड में महिला कमांडो का दस्ता भी मौजूद था। अमित शाह ने परेड की सलामी ली और परेड निरीक्षण भी किया। अमित शाह ने इस मौके पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर प्रहरियों के परिवार को सम्मानित किया। समारोह में अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता के लिए पुलिस मेडल और वीरता पदक भी दिए गए। गृह मंत्री ने कहा कि देश भर के पुलिस बल और बीएसएफ सहित 35,000 जवानों ने देश की अलग अलग सीमाओं पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ देश में सबसे चुनौतीपूर्ण सीमाओं की रक्षा का भार संभाल रही है। गृह मंत्री ने कोरोना काल के दौरान बीएसएफ के योगदान का भी जिक्र किया। सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो आप सदैव ये बात को याद रखिए कि आप सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे देश को सुरक्षित करकर दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम भी आप कर रहे हैं। कि आप सीमा की सुरक्षा के साथ साथ जब समय मिले तब ये योजना के क्रियान्वयन पर भी ध्यान रखिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ चर्चा करकर सबके घर में बिजली पहुंची या नहीं पहुंची, सबके घर में शौचालय पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सबको अपना स्वास्थ्य कार्ड मिला है या नहीं मिला है, मुफ्त राशन जो भेजा जा रहा है वो नागरिकों को मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। तभी जाकर सीमा पर रहने वाले हमारे सभी नागरिकों को जब हम खुशहाल रखेंगे, उनकी सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे, तो अपने आप में सीमा की सुरक्षा करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। गृह मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार बीएसएफ के लिए आधुनिक उपकरण मुहैया कराने के लिए लगातार काम कर रही है। बीएसएफ की ड्यूटी में सरहद की निगरानी का काम सबसे खास और चुनौतीपूर्ण होता है। बीएसएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम की शान है ऊंट दस्ता। ऊंट दस्ता रेगिस्तान में जवानों का सबसे भरोसेमंद साथी है। ऊंट दस्ते ने योगासन और ऊंट एम्बुलेंस जैसे कई मनमोहक कार्यक्रम पेश किए। स्थापना दिवस समारोह में डॉग स्क्वाड भी शामिल था। डॉग स्क्वाड की तरफ से गृह मंत्री को फूलों का गुलदस्ता दिया गया और बेहद सधी तरीके से सलामी दी गई। डॉग स्क्वाड के प्रदर्शन में स्वच्छता का भी संदेश दिया गया। आपातकाल में किस तरह बीएसएफ की टुकड़ी अपने लिए रास्ता तैयार कर लेती है, इसकी भी झांकी दिखाई गई। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में आर्टिलरी विंग ने भी इस परेड में हिस्सा लिया।
रात के अंधेरे में भी सीमा सुरक्षा बल के जवान अपने लक्ष्य का निशाना साधने में सक्षम हैं। समारोह के आखिर में सीमा भवानी के करतबों ने सबको हैरत से भर दिया। सीमा भवानी की टीम ने बाइक और फायर रिंग से कूद लगाने वाले एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया। सीमा सुरक्षा बल के पास अपना एयर विंग और वाटर विंग है। समारोह में इनकी भी झांकी प्रस्तुत की गई। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान केवल यही एक बॉर्डर फोर्स है जिसके पास अपना खुद का आर्टिलरी विंग है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ का जो वाटर विंग है, इसके अलावा जो इनके पास ऊंट दस्ता है, उन सब का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। आप देख रहे हैं कि हवा में किस तरीके से जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर उड़ रहे हैं, और ये बताने की कोशिश है कि बीएसएफ के पास इस वक्त कितनी ताकत है। पाकिस्तान की सीमा के नजदीक इस वक्त बीएसएफ की जो ये परेड चल रही है, इसकी सबसे खासियत ये है कि बीएसएफ के जवान वो तमाम यहाँ पर स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पता चल सके कि दुश्मन देश अगर भारत की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो उसको जवाब वैसे ही दिया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह में बीएसएफ के जवानों के साथ उनका परिवार और स्थानीय लोगों को भी निमंत्रित किया गया था। जितेंद्र बहादुर सिंह, जैसलमेर, आज तक। हमारे वीर जवानों का देश के प्रति समर्पण और उनकी वीरता शौर्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अमित शाह एक दिन पहले ही जैसलमेर पहुंच चुके थे। कल वो पाकिस्तान से लगी सीमा के बॉर्डर आउटपोस्ट पर भी गए। बीती रात उन्होंने जवानों के साथ डिनर किया और वहीं रात भी गुजारी। ये है जैसलमेर के बॉर्डर का आउटपोस्ट रोहतास। सीमा सुरक्षा बल के जवान रेत के इन बनते बिगड़ते टीलों पर कड़ी निगरानी रखते हैं ताकि सरहद पार से कोई दुश्मन घुसपैठ न कर सके। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। यहाँ से हमेशा तस्करी और घुसपैठ का खतरा रहता है। शनिवार शाम रेगिस्तान के सन्नाटे में खासी हलचल थी। इस बॉर्डर आउटपोस्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का काफिला पहुंचा तो जवानों में नया जोश भर गया। जैसलमेर का ये वो इलाका है जो कि रोहतास बीओपी के पास पड़ता है। आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जा रहे हैं, सीधे उस जगह पर जहाँ से सनसेट पॉइंट है उसको देखेंगे। यहाँ से सीधे का जो पाकिस्तान का इलाका है उस तरफ, वो कहलाता है सिंध प्रांत, और यहाँ से गुरंग तार बीओपी पाकिस्तान की मौजूद है। गृह मंत्री यहाँ आकर सबसे पहले सनसेट पॉइंट पर पहुंचे। अमित शाह ने यहाँ अधिकारियों से बॉर्डर के सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा की। यहाँ पर गृह मंत्री ने हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर के जरिए बॉर्डर के हालात का जायजा लिया। जवानों के लिए मौजूद सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। गृह मंत्री ने बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे जवानों से बात की। राजस्थान के भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं। हालांकि यहां सनसेट पॉइंट है उसको देखने के लिए गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आज गृह मंत्री रोहतास का जो बीओपी है यहां पर रुक करके जवानों का हौसला अफजाई करेंगे, और आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह यहां पर जो डीजी बीएसएफ हैं उनसे ऑपरेशनल जो भी चीजें हैं वो इस पूरे इलाके में पूछी जा रही हैं और वो जानकारियां इस वक्त ली जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैदी से लगे हुए हैं, और ये पूरा इलाका जो है ये रोहतास बीओपी के पास का इलाका है, सनसेट पॉइंट है। गृह मंत्री अमित शाह पहले यहाँ के जवानों के साथ मिल करके जो ऑपरेशनल सिचुएशन है उसको जान रहे हैं। सरहद की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान दिन रात
कड़ी ड्यूटी करते हैं। रेतीले टीलों पर जगह जगह ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां से हर हलचल पर नजर रखी जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के खास तरीके के ड्रोन का भी परीक्षण किया। बीएसएफ का हेक्साकॉप्टर कई किलोमीटर की दूरी तक उड़ सकता है और दुश्मन पर नजर रख सकता है। लाइन ऑफ साइट में यहाँ 30 किलोमीटर अभी प्रदर्शन के इसमें और सुरक्षा की दृष्टि से मैंने इसे तकरीबन 450 मीटर जहाँ से ये लाइट इसका कैमरा कंट्रोल लेफ्ट। जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए अमित शाह बीती रात वहीं रुके। गृह मंत्री ने जवानों के साथ सैनिक सम्मेलन किया। गृह मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार जवानों के परिवार की पूरी चिंता कर रही है और उनके लिए 100 दिन की छुट्टी पर विचार कर रही है। मेरे समेत देश के गृह मंत्री समेत देश के 130 करोड़ लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उनको आप पर भरोसा है कि आप सीमा की, और ये भरोसे के जज्बा आप नहीं एहसास कर पाओगे, ये हम एहसास कर रहे हैं। कोई भी समाचार आता है कंट्रोल रूम से तो तुरंत मन में होता है कि नहीं ठीक है, बीएसएफ का जवान है, सीआरपीएफ का जवान वहां खड़ा है, कोई चिंता का कारण नहीं, वो लोग संभालेंगे। कोई भी बॉर्डर हो, हमारे सीएपीएफ के जवानों ने जिस मुस्तैदी के साथ मोर्चा बांध कर रखा है, मैं मानता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा में और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इससे बड़ा प्रदान किसी का नहीं हो सकता जो मेरे सीएपीएफ के जवान का है, जो मेरे बीएसएफ के जवान का है। इसके बाद गृह मंत्री ने जवानों के साथ बैठकर खाना खाया। शाह ने इस दौरान आसपास बैठे जवानों के साथ बातचीत की। देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर बॉर्डर आउटपोस्ट पर, जो कि जैसलमेर में रोहतास बॉर्डर आउटपोस्ट है, यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जवानों के बीच में यहां पर मौजूद हैं और उनके साथ रात का खाना खा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जवानों को जिस तरीके का खाना परोसा गया है, वही खाना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवानों के बीच में रह करके यहाँ पर खा रहे हैं। जवानों के लिए ये बेहद खास मौका था। गृह मंत्री उनके साथ आउटपोस्ट पर थे और उनके साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अमित शाह 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर हैं। स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के साथ साथ गृह मंत्री ने इस बेहद संवेदनशील सरहदी इलाके की सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। जितेंद्र बहादुर सिंह, जैसलमेर, आज तक।